नजर आते हैं, सबसे खतरनाक खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने घोषणा की, लेकिन फिर भी अभी 6 बोले बाकी है और उसके बाद 12 और बाकी है। घूम गलत के लिए ऊपर है खिलाड़ी नीचे हसन दास है, तभी ने कोई गलती नहीं की इस बार और हसन को इस सफलता हासिल होती हुई अजय राउंड होके जा रहे हैं। एक रन पे बॉल पे एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, पहला बॉल अच्छा एक मिनट एक मिनट चलो ले जाओ धूम क्लब ने बनाए हैं 106 रन, आरसी 11 के लिए टारगेट 107 का। सलीम इलायची ने बेहतरीन 45 रन की इनिंग खेली है, पारी खेली है, तो अब ये एक इनिंग पूरी हो चुकी है, तो सब दोनों टीमों के प्लेइंग 11 बीच में आ चुके हैं मैदान में और ये सब कार्यकर्ता भी साथ में हाजिर और ये सब अभी और ये दोनों टीम अब स्टेज के पास आती हुई, दोनों का स्टेज के पास इस्तकबाल किया जा रहा है। और आवर कंप्लीट हो चुका है, एक आवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोर बना है आरसी 11 का बिना किसी नुकसान के। बड़ी सावधानी से बल्लेबाजी करते हुए उठा के खेल दिया जाए जल्दबाजी करते थे और 4 रन का नुकसान हुआ धूम क्लब को, और ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी आरसी क्लब को अगर ये मैच जीतना है, बिल्कुल धैर्य के साथ खेलना होगा। बड़ा बॉल लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, और खास तौर पर फील्डिंग वाली टीम के लिए कि अगर आप हैट्रिक निकालते हैं तो सौगत पर बागवान की ओर से 500 रुपए का इनामी राशि दी जाएगी आपको। और एम्पायर का इशारा वाइड, आज के हमारे एम्पायर हैं अमजद सईद और तालिब अली चुड़ीकर पार्षद नया गांव। बढ़िया बॉल, काफी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं रसल सद्दाम रसल। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 21 रन के। वसीम को यह सफलता मिली, माफ कीजिएगा यासीन आउट होने जा रहे हैं। विराट की तरफ खेलना चाहते थे यासीन, लेकिन चूके क्योंकि बॉल का स्लिप मिलना शुरू हो गया है। धूम क्लब जाकर गेंदबाजी के लिए जारी कर चुके हैं।
विकेट मैच जीतने के लिए आशिक तैयार। बाहर जाती बॉल एम्पायर अमजद अली सैयद का इशारा वाइड बॉल। मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर एबी खान उमर साहब की तरफ से एलईडी टीवी का इनाम रखा है। मैन ऑफ द सीरीज रहने वाले खिलाड़ी को एलईडी टीवी इनाम के तौर पर दी जाएगी। 24 गेंद मात्र 50 रन, काफी रोमांच मुकाबला है। देखते हैं क्या होता है ये फाइनल मैच, क्या 4 ओवर में 50 रन टारगेट चेस कर